और इस बीच बड़ी जानकारी, जहां छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। रेलवे ने 66 ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे लाइन में चल रहे कार्यों को लेकर रद्द की गई है ट्रेनें। 22 से 29 सितंबर तक रद्द रहेंगी ट्रेनें। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां यात्रीगणों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें रद्द करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और ऐसे में जो परेशानी रेल यात्रियों के लिए है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेलवे ने 66 ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे लाइन में चल रहे कार्यों को लेकर ये ट्रेनें रद्द की गई है, और पिछले आपको बताते चले कि पिछले कई समय से ट्रेनें रद्द करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में परेशानियां लोगों की कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों को अन्य विकल्प तलाशना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ऐसे में समस्या बदस्तूर जारी है रेल यात्रियों के लिए। 22 से 29 सितंबर तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दौरा, बस्तर संभार के दौरे पर रहेगा। अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बताते चले कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेंगे दौरे पर। बस्तर संभाग के 5 जिलों का करेंगे दौरा। मिशन 2023 के तहत कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अरुण साव का दौरा मिशन 2023 के चलते लगातार तैयारियों का हिस्सा दिखाई दे रहा है, और इसी के तहत दौरों का दौर भी नजर आ रहा है। बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे अरुण साव। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस दौरान शामिल रहेंगे। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक दौरे पर रहेंगे, जहां बस्तर संभाग के 5 जिलों का दौरा किया जाएगा। मिशन 2023 के तहत कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ते हुए इस दौरान नजर आएंगे। लगातार जो तैयारियां हैं वो जोरों पर दिखाई दे रही है, और हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में 2023 के लिए जुट चुकी है, और बीजेपी भी उसी तैयारियों के चलते अब अपनी तैयारियों को तेज करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, उसी का नजारा है जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अब दौरे करते हुए नजर आएंगे, जहां बस्तर संभाग के दौरे पर अरुण साव रहने वाले हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल रहेंगे।